जो सफोकेशन है ये हम लोग अपने लास्ट ब्रेथ तक नहीं कर सकते हम लोग ये जो एनओ no, जो वर्ड है ना नो गाइस ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्टी होता है नो no बोलने के लिए किसी को भी हेलो गाइस मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस तो आज का टॉपिक है गाइस वाई डू पीपल हेट देर जॉब्स ये सिर्फ हमारे देश में नहीं गईस ये हर देश में होता है ये सब जगह होता है जहाँ पे लोग अपना जॉब को हेट करते हैं। जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ राइट तो दो साल से मैं अभी टीचिंग में हूँ राइट उससे पहले मैं मैंने इंजीनियरिंग के नेटवर्किंग कंपनी में काम किया है मैं एज अ मार्केटिंग में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया है तो गईस टीचिंग में मेरे को जो प्रोसेस में जो मजा आता है वो मेरे को अब तक किसी में नहीं आया तो गाइस लोग अपने जॉब को हेट इसलिए करते हैं क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड तो उन लोग रहते ही है जैसे कि उनको पता रहता है कि हाँ दस साल में मेरे को इतना कमाई होएगा मेरा और महीने के आखिर में एक बड़ा सा पैकेज के साथ एक केक भी आता है उनको जो पैसा रहता है राइट तो उससे फिर जो भी गम रहता है वो भूल जाते हैं उन लोग लेकिन एक तारीख के बाद फिर से वही रोना वही कंप्लेन करना गाइस क्योंकि मेरे को एम्पत्ति फील होता है गाइस ऐसा नहीं है कि लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं मैं वो खुद वो चीज़ से गुजरा हूँ जब मेरे को पसंद नहीं है वो चीज़ मैं करता हूँ गाइस जैसे ये कर रहा हूँ ठीक है अगर मेरे से कोई ऐसा चीज़ करवा ले जिसमें मेरा नेचुरली मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं पत्य टुकूँगा गाइस वो चीज़ में मैं मेरे को तो लोग दो दिन के लिए भी नहीं रखे काम पर निकाल दे तुरंत तो जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ आप लोग करोगे गाइस जॉब में ठीक है कभी कभी गाइस मजबूरी होता है राइट right? पैसे चाहिए तो हम लोग करते हैं ऐसा नहीं है लेकिन साइड बाय साइड अपने को देखना पड़ेगा गाइस हम लोग ये जो सफेकेशन है ये हम लोग अपने लास्ट ब्रेथ तक नहीं कर सकते हम लोग ये पाल नहीं सकते गाइस कुछ टाइम के लिए ठीक है लेकिन साइड बाय साइड अपने को देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए जहाँ पर हम लोग वो चीज़ करें जो हमको पसंद है थोड़े से पैसे कम मिलेंगे गाइश स्टार्टिंग में थोड़े से पैसे आपको कम मिल जाएंगे मे बी स्टार्टिंग में बट लॉन्ग टर्म में आप लोग खुश रहोगे गाइस हैप्पीनेस इज द मतलब बिगेस्ट की टू एवरीथिंग अगर आप ज्यादा देर तक काम करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो आप घड़ी नहीं देखोगे गाइस बार बार पक्का मैं जब काम करता हूँ मेरे को प्रोसेस अगर मजा आ रहा है तो मैं कितना भी टाइम तक काम कर सकता हूँ और अगर आप लोग को वो चीज़ पसंद है और आप नेचुरली अच्छे हो वो चीज़ में तो गाइस आप लोग एक्सेल करोगे ही करोगे थोड़ा टाइम लगेगा इस तीन साल चार साल पाँच साल ऐसा कोई इंस्टेंटेनियसली एक रात में या ऐसा कुछ भी नहीं होएगा गैस तो प्लीज़ गैस अगर आपको आपका प्रोसेस मज़ा नहीं आ रहा है जल्द से जल्द साइड बाय साइड गैस कोई दूसरा चीज़ देखो गैस राइट भले ही आपको एज एन इंटर्न काम करना पड़ेगा तो भी चलेगा लेकिन प्लीज़ सफाकेट मत करो खुद को गईस मैंने तो ये नोटिस किया है कि मेरे केस में अगर मेरे को जो पसंद नहीं है वो चीज़ मैं करता हूँ तो मैं योगिक प्रैक्टिस करता हो कुछ ठीक है तो अगर मेरे को तो योगा भी नहीं बचा सकता गाइस मेरा बात करूँगा मैं बाकी लोग का नहीं तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में बोलना मेरे को मेरे को तो योगिक प्रैक्टिसस भी नहीं बचा सकता अगर मैं वो चीज़ करता हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है तो योगा मेरे लिए कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे लाइफ में जो चीज़ मेरे को पसंद है वहाँ पर भी मेरा एफिशेंसी जो है वो थाउजेंड परसेंट ऊपर लेके जाता है योगा राइट मेरे को मेंटली काम रखता है मेरे को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखता है अंदर से पीसफुल रखता है बहुत ज़्यादा राइट right? मैं मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए क्रेव नहीं करता हूँ आजकल मेरे को पता है गाइस कि बहुत ज़्यादा हिम्मत लगता है नो बोलने के लिए गाइस बहुत लोग ये जो एनो जो वर्ड है ना नो गाइस ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्टी होता है नो बोलने के लिए किसी को भी आप लोग उनका रेस्पेक्ट करते हो रेस्पेक्ट करो गाइस लेकिन अब भी नो बोलना बेटर है राइट लॉन्ग टर्म में जाके एंटैंगल एंटैंगल और खाई में घुसरो खाई में घुस रो और लास्ट में आप जाके नो बोलोगे तो गैस आप भी कहीं के नहीं रहोगे और जिसको आप नो बोल रहे हो जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो भी कहीं का नहीं रहेगा गैस तो अब भी आप बोल दोगे तो थोड़ा सा एक दो दिन के लिए उनको तकलीफ होगा कि यार इसने मना किया है लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस उनके लिए भी अच्छा रहेगा आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आप दोनों का रिलेशनशिप भी सही से रहेगा गाइस तो अब भी बोलोगाइस बहुत डिफिकल्ट है पेट में आपको ये हो रहेगा गैस बटरफ्लाइज इन देंस इन्हें खुशी की तरह से नहीं एक रहता बटरफ्लाइज होता है वैन वी आर वेरी हैप्पी एंड दूसरा जो होता है वो उसी को उसको बटरफ्लाइज बोलते क्या पता नहीं मेरे को जब आप नर्वस होते हो तो आपको पेट में एक अजीब सा ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के रखा है आपको पेट में तो अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है आपको तो यू आर नॉट इन अ राइट प्लेस गए रुक जाओ सोचो छोड़ दो वो चीज़ को जितना जल्दी हो सके और सेकेंडरी कोई चीज़ देखो जहाँ पे आपको काम करने में भी मज़ा आ रहा है और थोड़ा सा पैसे कम मिलेंगे इनिशियली बाद में यू विल कोप अप हंड्रेड परसेंट आपको पैसे मिलेंगे गाइस बाद में राइट प्रोसेस अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा और इंट्यूशन इंस्टेंस जो बोलते हो आपको डर लग रहा है अंदर से वो काम करते वक्त बहुत ज़्यादा किए क्या हो रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है मेंटली लोग बोलेंगे कुछ नहीं है तो ओवर थिंकिंग कर रहा है नहीं गाइस ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो आपका बॉडी आपका माइंड आपको झूठ नहीं बोल रहा है गाइस भरोसा करो उसके ऊपर आपको मज़ा नहीं आ रहा है वो चीज़ में आप अच्छे नहीं हो कन्फ्यूज स्टेट में हो आप तभी एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है गाइस प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में सोचो तो ये वीडियो गाइस मैं आज का यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ आई होप आप लोग कनेक्ट होते हो गाइस और अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और कॉमेंट करो गाइस नीचे जो भी आपका थाट्स है सबको रिप्लाई करता हूँ मैं सबको थैंक यू सो so मच गाइस आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाय टेक केयर